अस्सलाम वालेकुम, आज आए हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, चटकारा खट्टा पानी। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये कितना मज़े का बनता है इफ़ यू जस्ट फॉलो द सिमिलर रेसिपी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इमली को जो है वो भिगो के रख दिया था, ठीक है, और कुछ मसाले मैंने लिए हैं, ठीक है, मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ये पुदीना लिया है, नमक है, चाट मसाला है, ठीक है, और लीमू है, ये चीज़ें हैं, इनको ऐड कर लेंगे इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले हमने इसको सोक करके रखना है कुछ देर के लिए, ताकि पानी के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो सके इमली, ठीक है। कुछ देर के बाद जब ये सोक हो जाएगी तो फिर हम इसमें से इमली निकाल देंगे, ठीक है। मैंने इसमें से इमली की जितनी भी गुठलियाँ थी वो निकाल ली हैं और ये इस तरह से आ गए। अब इसमें पुदीना, ठीक है, जितने मिंट लीव्स आप डालना चाहते हैं वो, नमक मैं ले रही हूँ, सॉरी ये लीमू है, और ये नमक है और चाट मसाला। अच्छा, इसमें आप टाटरी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू। मैं टाटरी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट दैट हेल्दी, ठीक है, आप टाटरी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा खट्टा बनेगा। अब मैंने ये ग्राइंड करके जो है ना आपको दिखा रही हूँ कि ग्राइंड करने के बाद ही किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपने ग्राइंड कर लेनी है। आप इस खट्टे पानी को जो है वो चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलगप्पे के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसमें पल्प्स ना आए, आप इसे स्ट्रेन आउट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें अगर थोड़े से पल्प्स भी आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।